तो फिर ब्रश को मोजा पहना के हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं ममता सिंह, मैं यूट्यूब चैनल ममता है, सदगुरु ब्लॉग में स्वागत है। फिर नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। फिर मेरे आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, आप लोग बहुत प्यार प्यार कमेंट दे रहे हैं और अपना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आज आ गई फिर मैं नए टिप्स नए जुगाड़ में, तो चलिए फिर आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग बने रहिएगा और बहुत ही। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं आज किचन टिप्स लाई हूँ, जो कि चार टिप्स आप लोग को मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। तो मेरे ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और प्यार प्यार कमेंट दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड, जो हम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं और उसका जो फ्रेंड देख सकते हैं, और जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, मतलब खराब हो जाता है इस तरह से, जो ब्रश है फ्रेंड खराब हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं जानते। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा इस्तेमाल में बताऊंगी फ्रेंड। तो देख सकते हैं मेरे पास दो ब्रश है फ्रेंड, और उसको इस तरह से रख, फ्रेंड देख सकते हैं मेरे पास दो ब्रश है और उसको इस तरह से रखना है, और उसके बाद एक रबड़ लेना है फ्रेंड, उसको इस तरह से कवर करना है, इस तरह से फ्रेंड उसको लगाना है, और बहुत ही अच्छा इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। फिर हम लोग जानते नहीं कि मतलब जो खराब ब्रश हो जाता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, तो बहुत ही अच्छा आप लोग को मैं दिखाऊंगी फिर। इस देख सकते हैं फिर इसमें दोनों एक बराबर रहे फिर, इस तरह से लगाना है। तो देखिए फिर, चलिए आप लोग को इसका इस्तेमाल में बताती हूँ कि हम लोग कहाँ पर इसको कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैं दो ब्रश ली हूँ, और जो भी खिड़की का होता है फ्रेंड, हम लोग मतलब इस तरह से साफ करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप लोग को मैं फ्रेंड इसको साफ करके दिखा रही हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड, जो कि हम लोग खराब ब्रश को इस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो इसमें धूल लगा है फ्रेंड, इस तरह से गंदगी को भी साफ कर सकते हैं, और इस तरह से फ्रेंड भी ब्रश को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्रेंड इस्तेमाल भी, खराब ब्रश हो जाएगा, और जो खिड़की दरवाजे फ्रेंड मतलब जो इस तरह से खिड़कियाँ हैं उसको इस तरह से हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए फ्रेंड आप लोग को मैं अगला टिप्स दिखाती हूँ। ये है लाल मिर्च, जो कि हम लोग जो लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, तो घर पर किस तरह से बना सकते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड लाल मिर्च है, और इसका जो ये डंठल है फ्रेंड, इसको इस तरह से तोड़ लेंगे, तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड टूट नहीं रहा है, तो बहुत ही नरम है फ्रेंड। इसको किस तरह से हम लोग घर पर बना सकते हैं लाल मिर्च, तो इसको पहले फ्रेंड थोड़ा सा तवे पर भूनते हैं। तो चलिए गैस के पास चलते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ पर मैं गैस ऑन कर दी हूँ, अरे एक तवा रख दी हूँ, तो तवे पर फ्रेंड जो ये लाल मिर्च है इसको इस तरह से फैला देंगे, और फ्रेंड थोड़ा सा ये देख सकते हैं अभी बहुत नरम है, देख सकते हैं हाथ से भी देख सकते हैं बहुत नरम है, तो इसको इस तरह से फ्रेंड थोड़ा फैला देंगे, उसको धीमी आँच पर हल्का हाथ मतलब धीमी आँच पर इसको भून लेंगे फ्रेंड। तो इस पर जो सारे हैं लाल मिर्च, इसको हम लोग बना सकते हैं घर पर भी बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं सारे जो लाल मिर्च है फ्रेंड, इस पर मैं फैला दी हूँ, देख सकते हैं थोड़ा ठंडा हो गया, और बहुत ही आसानी से इसके जो डंठियां हैं फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से टूट जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देख सकते हैं फ्रेंड बहुत आसानी से टूट जा रहा है, तो इसको फ्रेंड सारे जो डंठियां इसको मैं तोड़ लूँगी, और इस तरह से फ्रेंड हम लोग इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर मैं तोड़ ली हूँ सारी डंठियाँ, देख सकते हैं, तो तोड़ लेती हूँ, उसके बाद इसको मिक्सी के जार में पीस के फ्रेंड आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो कि मैं मिक्सी के जार में पीस ली हूँ, और इसको इस तरह से फ्रेंड देख सकते हैं अपने किचन में भी डब्बे में रख सकते हैं, और हम लोग जो लाल मिर्च फ्रेंड मतलब मंगाते हैं मार्केट से, घर पर भी बहुत आसानी से इस तरह से बना सकते हैं, और इसको किचन के डब्बे में हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स दिखाती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर मैं रेतनी जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड, और ये है चाकू, तो चाकू को किस तरह से फ्रेंड हम लोग धार दे सकते हैं, मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत ही आसानी से घर पर भी चाकू जो कि फ्रेंड नुकीला नहीं रहता है, तो जो सब्जियां हैं किचन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड अच्छे से कटता नहीं है, तो फ्रेंड हम लोग जो किचन में चाकू इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रेंड इस्तेमाल करते करते जो ये मतलब ये नुकीला नुकीला है फ्रेंड थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जाता है, तो इसको किस तरह से हम लोग घर पर मतलब इसको कर सकते हैं नुकीला, तो इस तरह से फ्रेंड एक लेना है, तो इस तरह से फ्रेंड लेना है, और इसको इस तरह से जो ऊपर का फ्रेंड है इस तरह से ऊपर से इस तरह से फ्रेंड देख सकते हैं ऊपर से करना है, और उसको इस साइड से फ्रेंड इस तरह से करना है, इसे बहुत ही नुकीला भी हो जाएगा, और जो चाकू का ये जो धार फिर कम हो गया था बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं
इस तरह से करना है और इस साइड का वर्क इसको इस तरह से करना है, ऊपर ऊपर के फेस ऊपर के ले जाना है। और इस तरह से अपने जो किचन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं चाकू, बहुत ही आसानी से नुकीला भी हो जाएगा और घर के ही कुछ सामान से टिप से कम पैसे में बहुत ही आसानी से हम लोग घर पर कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं फिर कितना ज़्यादा नुकीला हो गया, देख सकते हैं मेरा बहुत ही कम हो गया था और ये बहुत ज़्यादा नुकीला हो गया। तो चलिए अगला टिप्स दिखाते हैं फिर। इस तरह से हम लोग का जो एक ग्रास है खराब हो जाता है, जो भी हम लोग कपड़ा या साड़ी या कुछ सेट या पैंट को जो भी हम लोग फ्रेंड्स धुलते हैं तो इस तरह से फिर जो कि इसमें जो सारे जो ये लगे हैं मतलब ये खराब भी हो जाता है। और इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से बचता है और जितने भी सितारे थे कढ़ाई है वो खराब हो जाता है। तो इसको किस तरह से हम लोग आसानी से मतलब अच्छे से क्लीन भी कर सकते हैं। एक लेना है मोजा और मोजा को फिर जो ये ब्रश है आप जो भी आप लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं अपने बाथरूम में फिर वो ले सकते हैं और इसको इस तरह से अंदर इसको डालना है, फिर इस तरह से इसको पहना देना है। इसमें पहनाने के बाद फिर देख सकते हैं ये ब्रश का जो फिर जो इस तरह से ब्रश को मोजा पहनाने के बाद और इस तरह से हम लोग जो भी साड़ी हो या जो भी हो फिर इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से और साफ भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए फिर कितने अच्छे से जो भी धूल है फिर वो भी ऊपर आ जाएगा और उसके बाद ये ब्रश है वो भी नहीं लगेगा और जो साड़ी है या सेट हो पैंट हो जो भी होते हैं वो सेफ रहेगा। इस तरह से हम लोग घर पर भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चुभ भी नहीं रहा है और न कपड़े में चुभ रहा है फिर न इसमें लग रहा है तो हाथ में भी नहीं लग रहा है फिर इस तरह से हम लोग क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा और कौन सा सबसे अच्छा टिप्स अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। अगर ऐसे आप लोग को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे ही सपोर्ट अपना शेयर बनाए रखिएगा। जो भी गलती उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।